तो एक समय ब्रज गोपियां जो थी ना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। लाला ने क्या किया, चुपके चुपके गया और सबके वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गया, और कदम पर चढ़ने के पश्चात अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, सुंदर बांसुरी बजाना शुरू किया कदम के पेड़ पर ही। बजा ही रहे हो मेरे प्यार, तो जोर से बजाओ। सुंदर बांसुरी जब बजाए ना तो सभी गोपियों का ध्यान गया, अरे ऊपर वाला देख रहा है, अरे लाला। अब सबने अपने अपने वस्त्र ढूंढने प्रारंभ किए। अब वस्त्र कहां मिले, सबका वस्त्र तो लाला लेकर के ऊपर चढ़ा हुआ है। सब निर्वस्त्र किसी तरह से जैसे तैसे अपने अंग को छुपा रही हैं। लाला ने कहा, क्यों छुपा रही हो? क्यों छुपा रही हो अपने अंगों को? गोपियों ने कहा, अरे लाला तुम सामने हो, तुझे शर्म नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हम लोग निर्वस्त्र स्नान कर रहे, तुम मुझे देख रहे हो? लाला ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूं मेरी प्यारी गोपियों, कि तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो तो तुझे भी तो कोई देख रहा है ना, तो क्यों दिखाती हो अपने आप को? वस्त्र ढंग के पहनो ना, कितनी सुंदर लगती है साड़ी हमारे भारतीय परिधान में, शरीर का कोई अंग नहीं दिखता है। बोले, लाला कोई था तो नहीं, तू पता नहीं कब चुपके से आया और हमारा वस्त्र चुरा करके ले गया, तुम तो पली, अब तुम ही तो दिख रहे हो। लाला ने बोला, मैं गोपियों यही तो तुम्हारी भूल है, ये पंच प्रकृति है इस संसार में, पंच प्रकृति है, ये पंच प्रकृति तुझे देख रही है, ये पक्षी तुझे देख रहे हैं, ये कदम की डाली है ना, कदम की छैया, कदम का पेड़ तुझे देख रहा है, ये जमुना जी तुझे देख रही है, और तो और जिसमें तुम स्नान कर रही हो निर्वस्त्र हो करके, वो वरुण देवता तुझे देख रहे हैं। अब तो गोपियों ने कहा, तैया इतने लोगों ने मुझे देख लिया? बोले, हां तुम समझ रही हो कोई नहीं देख रहा है, मेरे प्यारे तुम्हारे कृत हर कोई देख रहा है, इस सृष्टि में सब कुछ चलायमान है और सब कुछ दृष्टिगोचर है, कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि वो हमारा ठाकुर जो है हर जगह है, कमरे के अंदर में भी है और कमरे के बाहर में भी है मेरे प्यारे। इसलिए जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको, जिसके लिए आपको अपना मुंह छुपाना पड़े। हाँ, गोपियों ने कहा कि तब क्या होगा, अब तो इन लोगों ने मुझे देख लिया, अब क्या होगा लाला? अब तो वही होगा जो होना है, तुमने अपराध किया है तो अपराध का दंड मिलेगा, मिलेगा। बोले, लाला मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करो लाला, मुझे कोई खबर ना है, लाला मुझे कोई खबर नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमको तो क्षमा करो लाला। लाला ने बोला कि तो मैं तुझे नहीं क्षमा कर सकता हूं, क्योंकि अपराध तूने किया है। तो सब ने कहा, और लाला ने एक बात और कहा, कि जो लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं ना, माताओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, पुरुषों से भी निवेदन कर रहा हूं, कि जो लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं ना, उनको वैधव्यता की प्राप्ति होती है। वैधव्यता समझते हो? समझते हो नहीं? उसके पति उसके जीवित रहते ही मर जाते हैं, जिसको विधवा कहते हैं,
वो स्त्री विधवा होती है। अब क्यों होती है? और उसके ऊपर में जानते हैं पति के साथ छल करने का अपराध लगता है, उसका पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाता है, और उस अपराध की वजह से उसके पति की आयु क्षीण हो जाती है और उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए।